लाहौर के लोगों के लिए एक बुरी न्यूज़ है कि लाहौर के लोगों को बड़ा झटका लग चुका है। अब लाहौर में PSL 2019 का एक भी मैच खेला नहीं जाएगा, जो यकीन लाहौर के शहरियों के लिए अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि अब वो PSL का लाहौर में मैच नहीं देख सकेंगे। लाहौर में PSL 2019 के 3 मैची शेड्यूल थे, लेकिन अब ये तीनों मैच लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं और इसका शेड्यूल भी चेंज कर दिया गया है। कराची क्यों मुंतकिल किए गए हैं, लाहौर में मैच क्यों नहीं होगा, ये एक अहम सवाल है। इसकी वजूहत ये है कि PCB ने बताया है, जराए के मुताबिक PCB ने बहुत मुश्किल फैसला किया लाहौर से कराची को मैचेस मुंतकिल करने का। एक मीटिंग हुई सबसे मुशावरत की, मुशावरत में ये बात भी आई कि शेड्यूल को थोड़ा आगे की दिन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पाक भारत कशीदगी की वजह से माहौल बहुत गर्म है और फ्लाइट ऑपरेशन लाहौर में पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सफरी मुश्किल का सामना था। इस बिना पर लाहौर से कराची मैचेस मुंतकिल किए गए हैं, क्योंकि जब लाहौर में हवाई जहाज नहीं आएगा, फ्लाइट नहीं आ सकेगी, तो फिर मैचेस कैसे होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की फौरन सीरीज ना होती, PSL के फौरन बाद 22 मार्च को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैच खेला जाना है, अगर वो वनडे मैच ना होता तो PSL के शेड्यूल को आगे की जन्म मुंतकिल किया जा सकता था। कराची वाले मैचेस लाहौर में किए जा सकते थे और लाहौर वाले मैचेस कराची में किए जा सकते थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की फौरी सीरीज थी, इस वजह से लाहौर में जहाज नहीं आ सकते थे, फ्लाइट्स नहीं आ सकती थी। इस बिना पर लाहौर से कराची मैचेस मुंतकिल किए गए हैं।